इधर मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो चुकी है। विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव होने हैं और मैदान में विजयपुर से 11 और बुधनी से 20 प्रत्याशी इस वक्त हैं। 13 नवंबर को दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि 23 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम जारी किए जाने हैं। बुधनी से 20 प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं और जबकि इस उपचुनाव से जो सियासी हलचल है वो अब बढ़ चुकी है। आपको बताते चले कि ये 13 नवंबर को वोट डाला जाएगा दोनों ही सीटों पर और इतना ही नहीं 23 नवंबर को इस उपचुनाव के परिणाम भी जारी किए जाने हैं। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, दिवाली की धमक धूमधाम के बीच अब इस वक्त ये दोनों ही सीटें महत्वपूर्ण हैं और उसी उत्साह के साथ सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में जुटे हुए, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? निश्चित तौर पर देखिये, बुधनी और विजयपुर की अगर आप प्रत्याशियों को लेकर स्थिति देखें तो स्पष्ट हो गई है। दोनों ही जगहों से अब तक के जो नामांकन है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। विजयपुर और बुधनी दोनों ही मध्य प्रदेश की बेहद हॉट सीट है, क्योंकि आप देखें तो बुधनी में लगातार शिवराज सिंह चौहान नेतृत्व करते रहे, बीजेपी का गढ़ उन्होंने उस सीट को बना दिया, लगातार वो वहां से जीते और लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अब वहां से रमाकांत भार्गव जो पूर्व सांसद है जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी सीट छोड़ी, वो बीजेपी की तरफ से मैदान में है। तो वहीं राजकुमार पटेल जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, पहले मंत्री भी वो रह चुके हैं, वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां पर जातीय समीकरणों को साधने के लिए राजकुमार पटेल को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा को भरोसा है कि जो लगातार वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने काम किए हैं उनकी बदौलत एक बार फिर जनता वहां पर जो है वो बीजेपी को मौका देगी। वहीं विजयपुर की अगर बात करें तो ये सीट भी खासी चर्चित रही है, क्योंकि रामनिवास रावत जो 6 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने बीच लोकसभा चुनाव में पार्टी का दामन छोड़ दिया था और वो चले गए थे बीजेपी के पास। तो बीजेपी ने उन्हें वन मंत्री बना दिया। वन मंत्री बनाने के बाद अब चूंकि लड़ना पहले से तय माना जा रहा था, तो वो विजयपुर से अब बीजेपी के टिकट पर पहली दफा वहां पर चुनाव लड़ेंगे और कोशिश ये होगी उनकी कि वो जिस तरीके से लगातार वहां से जीत दर्ज करते हुए आए हैं एक बार फिर से वहां पर उनको कामयाबी मिले। लेकिन कांग्रेस ने जो मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, क्षेत्रीय सियासी समीकरणों को देखते हुए, पहले जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो करीब 60-70 हजार जो वोट है वो ले गए थे, तो कांग्रेस की ये कोशिश होगी कि पुराना जो कांग्रेस का वहां का वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास बना रहे और इस चुनाव में पहली जीत जरूर मिले। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस से लगातार इस्तीफों का दौर कार्यकारिणी आने के बाद चल रहा है, लगातार 29 लोकसभा सीट में नई टीम को हार मिली, फिर उसके बाद जो अमरवाड़ा को उपचुनाव में हुआ वहां पर हार मिली, तो कांग्रेस ये चाह रही है कि एक आध बड़ी सफलता जो है वो कांग्रेस के हाथ लगे, ताकि ये जो नई टीम है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका थोड़ा सा मोरल बूस्ट हो सके। जी, स्वाभाविक रूप से, और ये चुनाव हर किसी के लिए तो महत्वपूर्ण है, उन प्रत्याशियों के लिए, साथ ही साथ खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी ये निश्चित रूप से एक बड़ा साख का मौका है बचाने का। और अब देखना होगा कि वासु आगे स्थिति क्या बनती है, 13 तारीख को जनता क्या सोचकर बूथ्स में जाती है और फिर 23 को क्या परिणाम आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 4 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वर्ग का शुभारंभ किया। वहीं सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसकोले भी यहां पर मौजूद रहे और इस वर्ग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 31 अनुषांगिक संगठनों के 554 पदाधिकारी शामिल हुए। संघ परिवार के आगामी कार्यक्रम और पाठ्यक्रम में संभावित बदलावों पर चर्चा होगी। वहीं सहकार भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद सहित संघ से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित भी किया गया। आपको बता दें कि केदारपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, कितने दिन लगभग ये वर्ग चलना है और कौन कौन से इसमें सेशंस होने हैं, कौन कौन सी बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंचने वाली है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के केदारपुर सरस्वती शिशु मंदिर में यहाँ आरएसएस का 4 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो चुका है। आज सुबह 8 बजे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने इसका शुभारंभ किया है। इसके साथ ही यहाँ पर सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले साहब के साथ ही अन्य जो पदाधिकारी है आरएसएस के वो भी मौजूद हैं और 4 दिनों तक ये जो प्रशिक्षण वर्ग है ये यहाँ चलेगा केदारपुर में। और इसमें जो आरएसएस के 31 अनुसांगिक संगठन है उसके 554 पदाधिकारी शामिल होंगे और
चार दिन तक यहाँ पर मंथन होगा। इसमें जो आने वाला कार्यक्रम है आरएसएस का साल भर का, उसको लेकर मंथन होगा। इसके अलावा देश भर के पाठ्यक्रम में जो संभावित बदलाव होना है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। और इसके साथ ही निश्चित तौर पर जैसे वीएचपी, बजरंग दल, इसके अलावा जो और अनुषांगिक संगठन है एबीवीपी सहित अन्य अनुषांगिक संगठन, उनके साथ भी यहाँ जो है वर्ग में मंथन होगा। और निश्चित तौर पर ये भी माना जा सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं, तो उसमें इन अनुषांगिक संगठनों की किस तरीके भूमिका रह सकती है राष्ट्रवादी सरकारें बनाने के को लेकर, उस पर भी कहीं ना कहीं इस पर इशारों इशारों में मंथन और संदेश की संभावना है। तो चार दिनों तक ये सत्र चलेगा। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज शुभारंभ किया है। पहले सत्र के बाद संभवतः दूसरा सत्र शुरू होगा। शाम को यहाँ योग और खेल का सत्र भी होगा। तो इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि संभवतः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस प्रशिक्षण वर्ग के दौरान यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर में 2 नवंबर को उनको दौरा है। इसके अलावा बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह, उनका आज इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने का कार्यक्रम है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी जो है बीएल संतोष, इनके साथ ही बिल्कुल, और राष्ट्रीय संघ के जो चार सदस्य ये प्रशिक्षण वर्ग है उनके सेवकों के लिए सुशील, निश्चित रूप से आगामी जो उनके रूपरेखा है आने वाले वर्षों में वो उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए भी रहेगा। और साथ ही साथ उनके जो आयाम है, जो उनके अनुषांगिक संगठन है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग रहेगा। अब आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी पहुंचाने के लिए। और